बहुत अच्छा था, अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम था, अच्छे थे लोग, अच्छे थे, कोऑर्डिनेट अच्छा हुआ, इन ऑल बहुत अच्छा गया। नहीं, क्योंकि अपने लोग थे तो उतना कंफर्ट था मुझे, अच्छा लगा। हमने इंडो वेस्टर्न थीम चूज़ किया था, तो हम यूजुअली गर्ल्स ने मोस्टली हमने इंडियन वेयर चूज़ किया था एंड बॉयज़ ने फॉर्मल वेयर चूज़ किया था, तो वो हम उसमें कम्फर्टेबल थे। क्या प्लान किया जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्स्ट्रा कॉल, हाँ, धन्यवाद। बोलिए सर, क्वेश्चन पूछिए। एक्चुअली ये इवेंट हम लोग ने इसके लिए इंटरैक्ट अपने इंस्ट्रूमेंट बजाने का कंपटीशन हुआ था, जो इट वाज अमेजिंग टू वर्क विद पीपल वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट टू एनकरेज अस टू रीच टिल योर, एंड इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट सो फार। इसीलिए इवेंट्स होती है सो दैट यू नो पीपल फ्रॉम डिफरेंट टीम्स वी कम टुगेदर, एंड दैट इज व्हाई यू नो वी आर वेरी हैप्पी दैट एम्स आर गिव अस दैट अपॉर्चुनिटी यू नो टू मीट न्यू पीपल, न्यू डिपार्टमेंट, न्यू टीचर्स, एंड यू नो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, सो या वी आर वेरी हैप्पी एंड इट वाज अ सक्सेसफुल शो। एवरी ईयर होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, लोग जानेंगे बहुत सारी चीज़ों को, जो ज़रूरी नहीं है कॉलेज में आके हमें सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है। एम्स सर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी फॉर दिस करिकुलर एक्टिविटी एंड वी आर वेरी ग्लैड, एंड आई वुड लव इफ दिस कंटिन्यूज एंड इट विल बी अ ग्रेट इवेंट लाइक फॉर एवर अकॉर्डिंग टू मी। जी वो भी होगा, आई एम श्योर इट विल हैपन इन फ्यूचर। इट इज़ अ स्मॉल स्टार्ट राइट नाउ, फॉर टाइम बीइंग वी कैन से इट्स अ वेरी स्मॉल स्टार्ट, गोइंग डाउन द लाइन इन फ्यूचर वी विल बी लुकिंग टू यू नो कॉल मोर पीपल्स, इन्वाइट मोर कॉलेजेस टू आर कॉलेज एंड पार्टिसिपेट इन आर इवेंट, सो दैट पीपल विल नो दैट वॉट एम्स आर इज राइट नाउ। या एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच।